Good morning, all of you. This is Aruna Bhargutia, and I am your science teacher. Today is my topic is first. I am first chapter explain कर रही हूँ. First chapter जो है आपका science का वो है sources of food. ठीक है? Sources of food का meaning क्या होता है? देखो आप आपके घर में different kinds of food लेते हो. आप आपके food में क्या-क्या चीजें लेते हो? आप आपके जो food है जिसमें आप अगर daily जो food लेते हो उस food में आप different kinds of varieties लेते हो. For example जैसे रोटी आप लेते हो, pulses मतलब दाल आप खाते हो, है ना? और vegetables भी आप लेते हो. तो आप अलग-अलग type की जो foods लेते हो तो उसी को हम बोलते हैं varieties of food या different kinds of foods. तो generally अगर देखा जाए तो अगर हम ये food लेते हैं तो इसका main reason क्या होता है? हमें हम food लेना क्यों जरूरी होता है? अगर हम food नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे लिए food पहले से क्यों required है? Why we eat food, है ना? Why we eat food? Because for growth, for development, for health, है ना? For energy, okay? तो अगर हम food नहीं लेंगे तो क्या होगा? क्या हमारी growth होगी? नहीं होगी, है ना? हमारी growth भी नहीं होगी, हमारा development भी नहीं होगा, हमें energy भी नहीं मिलेगी. जिस type से आपको ये chapter में दे रखा है, जिस तरह से किसी भी machine को चलने के लिए petrol या डीजल की रिक्वायरमेंट होती है, अगर हम किसी गाड़ी में पेट्रोल या डीजल नहीं डलवाते तो क्या होता है? वो चलेगी क्या? नहीं चलेगी. वो अपना वर्क नहीं करेगी. क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल से उसको क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है. तो अगर ये एनर्जी उसको नहीं मिली तो क्या होगा? वो चलेगी नहीं. तो सेम एज ह्यूमन बींग्स में या अदर ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, जितने भी आसपास हम देखते हैं उनमें भी यही होता है. सेम एज प्लांट्स में भी होता है. प्लांट को अगर हम वाटर नहीं देंगे या फिर हम उनको खाद नहीं देंगे, मैनर नहीं देंगे तो क्या होगा? या फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो क्या होता है? वो सूख जाते हैं, वो डेड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनको फूड ही नहीं मिलता है, है ना? उनको न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलते हैं. तो जितनी भी चीजें हमको अवेलेबल होती है वो कहाँ से होती है? फूड से होती है. फूड जो होता है वो हर ऑर्गेनिज्म में क्या करता है? एक तो उसकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जो आपकी हाइट बढ़ रही है, आपकी हेल्थ बढ़ रही है ना, जो आपकी एज बढ़ रही है, वो किस पर डिपेंड करता है? वो फूड पर ही डिपेंड करता है. अगर आप नहीं लोगे तो क्या होगा? आपकी ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी, है ना? और उसके बाद आपका डेवलपमेंट और ग्रोथ जो है वो सेम टॉपिक है, पर फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है. क्यों है डिफरेंट? क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो आपका लंबाई में बढ़ना होता है, और डेवलपमेंट का मतलब होता है आपका कॉग्निशन. इट मीन्स आपका जो दिमाग जो है उसकी सोचने समझने की जो पावर बढ़ रही है वो भी कहाँ से बढ़ती है? आपके फूड से. क्यों बढ़ती है? क्योंकि जितना भी फूड हम लेते हैं वो फूड में क्या होते हैं? डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, सॉल्ट होते हैं, फैट होता है ना? तो हम अलग अलग टाइप की फूड वेराइटीज इसीलिए लेते हैं ताकि हमको हर टाइप के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो मिल जाते हैं. वैसे हम फ्रूट भी खाते हैं. अगर हम फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट से हमको क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. फ्रूट से हमको विटामिन्स मिल जाते हैं. तो वो क्या करते हैं? हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, है ना? तो हमारा जो डेवलपमेंट होता है, जैसे आपके हाथ पैर की जो मूवमेंट है वो, है ना, आपका कोऑर्डिनेशन जो है एटमोस्फियर से वो, तो ये जो आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आपका ब्रेन भी डेवलप हो रहा है, आपकी जो सोचने समझने की जो पावर है वो इंक्रीज हो रही है डे बाई डे, है ना? तो डेवलपमेंट भी आपका होता है फ्रूट से. फिर उसके बाद हेल्थ, आपकी जो हेल्थ होती है, अगर आप हेल्दी फूड लेते हो तो आप हेल्दी होते हो. अगर आप अच्छा फूड नहीं लेते हो, प्रॉपर फूड नहीं लेते हो, है ना, और अगर ऐसे फूड का आप यूज करते हो तो क्या होगा? आपके हेल्थ इश्यूज होते हैं. हेल्थ इश्यूज में क्या होगा? या तो आप बीमार हो जाओगे, है ना? तो हमें हेल्दी रहने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए भी हमको क्या चाहिए होता है? ज्यादा से ज्यादा फूड को हमको लेना होता है. पर वो फूड कैसा होना चाहिए? उसमें न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, है ना? हेल्दी फूड होना चाहिए. तो हेल्दी फूड जो होता है वो हेल्थ को इम्प्रूव करता है, है ना? फिर उसके अलावा और क्या चाहिए हमको? क्या होता है हमारे अंदर? एनर्जी. एनर्जी भी इम्प्रूव होती है. अगर आप फूड नहीं लेते हो तो क्या होता है? उस दिन आप में एनर्जी बिल्कुल नहीं रहेगी. क्यों? क्योंकि फूड क्या करता है? जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है वो एनर्जी को बूस्ट करता है ना? तो एनर्जी के लिए भी वैसे इसका एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने?
गाड़ी का एग्जांपल दिया था कि अगर कार, बस या अदर कोई मशीन होती है, मशीन में अगर पेट्रोल या डीजल नहीं होगा तो क्या होगा, वो नहीं चलेगी। तो उनको एनर्जी भी कहाँ से मिलती है? पेट्रोल डीजल से। सेम एज हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है फूड से। तो हमको एनर्जी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट होते हैं। तो जितने टाइप का हमारा, हाँ, एक तो हमारी बॉडी की रिपेयरिंग के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है ये, रिपेयर करने का मतलब क्या होता है, जैसे आपको चोट लगती है तो आपकी मम्मी क्या करती है, आपको हल्दी वाला दूध देती है। क्यों देती है? ताकि अंदर के जो आपके टिश्यूज हैं, जो आपके डैमेज हो गए हैं या आपकी सेल्स जो डैमेज हो गई, वो रिपेयर हो जाए। ठीक है, आपको प्रोटीन ज्यादा देते हैं ताकि प्रोटीन के कारण आपकी जो स्किन है वो जल्दी से जनरेट हो जाए और आपका जो घाव है वो ठीक हो जाए। तो रिपेयरिंग में हमारे जो अंदर सेल्स होती है उनकी रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से हमको फूड लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो क्या होगा, हमारी ग्रोथ नहीं होगी, हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा, हमें हमारी हेल्थ इंप्रूव नहीं होगी, हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और क्या होगा, हमारी रिपेयरिंग नहीं होगी, है ना। हमारे जो घाव हैं, जो हमें चोट लगती है, वो जल्दी से नहीं भरते, है ना। तो यहाँ पर हम ये हमने पढ़ लिया सोर्सेस ऑफ फूड, हमें ये पता चल गया कि व्हाई वी ईट फूड, हमें फूड क्यों ईट करना चाहिए, है ना, सॉरी, हमें फूड क्यों ईट करना चाहिए, है ना। फिर उसके बाद आता है फूड वेराइटीज। अगर हमको आप डेली अपने फूड में एक ही काइंड का फूड नहीं लेते, या तो आप रोटी लेते हो तो रोटी नहीं लेते हो हमेशा, आप क्या करते हो, आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स भी लेते हो, मिल्क भी लेते हो, मिल्क के साथ साथ स्पाइसेस भी लेते हो, पल्सेस भी लेते हो, है ना। तो ये क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड वेराइटीज है। और भी है, जैसे अगर कोई साउथ इंडियन पर्सन है तो वो क्या करेगा, इडली सांभर ये चीजें खाएगा, क्यों, उसका प्रॉपर जो फूड है वो वही है ना। और भी चीजें लेते हैं हम, जैसे कि रोटी में भी हम रोटी भी अलग अलग टाइप के, जैसे ज्वार है, व्हीट है, मक्का है ना, मेज है, तो इस तरह के हम अलग अलग ग्रेन्स भी लेते हैं, है ना, राइस भी हम लेते हैं। तो हमारे फूड में डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेराइटीज है। क्यों? क्योंकि हमें न्यूट्रिएंट्स एक ही फूड से नहीं मिलता है, हमें अलग अलग फूड से अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। मिल्क हम इसलिए पीते हैं क्योंकि हमें प्रोटीन मिलता है, पनीर हम इसलिए खाते हैं क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन मिलता है, हम कार्बोहाइड्रेट किससे लेते हैं, व्हीट से लेते हैं, राइस से लेते हैं, है ना, हम घी और तेल भी खाते हैं, ऑयल्स भी लेते हैं, तो उससे हमको क्या मिलता है, फैट मिलता है, फैटी एसिड्स मिलते हैं। अगर ये चीजें हम नहीं लेते हैं तो क्या होगा, हमारे ऑर्गन्स प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, हमारी बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं करेगी, है ना। फिर आता है सोर्सेस ऑफ फूड। सोर्सेस ऑफ फूड का मीनिंग ये होता है कि हमें फूड कहाँ से मिलता है ना, हमारे यहाँ पर सोर्स क्या है फूड का, हमारे यहाँ जो फूड का सोर्स है वो है प्लांट्स, है ना। अगर वो वेजिटेरियन पर्सन है तो वेजिटेरियन पर्सन के लिए जो फूड है वो किससे, वो अवेलेबल होता है प्लांट से, क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो ऑन फूड बनाते हैं और हम जो होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं, हम अपना ऑन फूड नहीं बना सकते। तो हम क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। तो प्लांट से हम फूड लेते हैं, हम वेजिटेबल्स लेते हैं, हम सारे फ्रूट्स लेते हैं, है ना, मेडिसिन्स भी हम लेते हैं। तो हम टोटली किस पर डिपेंड करते हैं, प्लांट से, पर हम उसके साथ साथ ही एनिमल से भी फूड लेते हैं। कैसे लेते हैं, जो एनिमल्स, जितने भी लोग कार्निवोरस होते हैं या जो भी अगर देखा जाए हर्बीवोरस होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा वेजिटेबल्स पर डिपेंड करते हैं, वेजिटेरियंस होते हैं और नॉन वेजिटेरियंस होते हैं। अगर कोई नॉन वेजिटेरियन पर्सन है तो वो अपने फूड में क्या क्या चीज़ें लेता है, जैसे मीट ले सकता है वो, है ना, चिकन वो लेता है अपने फूड में, एग्स को लेता है, तो यहाँ पर फूड के लिए वो उस पर भी डिपेंड करता है, मिल्क लेता है वो, है ना, तो मिल्क वेजिटेरियन पर्सन ही लेता है। तो यहाँ पर हम किस पर डिपेंड करते हैं, या तो हम अपने प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, या फिर एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं, और यहीं से हम अपना फूड लेते हैं। और फूड जितने भी प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि कुछ फूड जो होते हैं वो हम किससे लेते हैं, लीव से लेते हैं, कुछ फूड जो होते हैं हम उसके स्टेम से लेते हैं, कुछ फूड जो होते हैं हम उसके रूट्स से लेते हैं, रूट्स वाले पार्ट से लेते हैं, ठीक है। तो जो प्लांट होता है, प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स से हम फूड को लेते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो फलियां रहती है उससे भी हम फूड ले लेते हैं, जैसे रूट, रूट से हमको कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं या कौन कौन से फ्रूट मिलते हैं, जैसे कि कैरोट, टर्निप,
स्वीट पटेटो, स्वीट पटेटो, ये जो फूड फूड की वैरायटी है ये हमको कहाँ से मिलती है? ये फूड की वैरायटी हमको मिलती है रूट से, है ना। वैसे ही बहुत सारे ऐसे प्लांट से जिनमें कि हमको स्टेम से फूड मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, शुगर केन आपने लिया होगा, गन्ना जिसको बोलते हैं हम, है ना। फिर उसके बाद है ऑनियन, और ऑनियन के बाद है जिंजर, और जिंजर के बाद है पटेटो, है ना। शुगर केन, ऑनियन, जिंजर और पटेटो, तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं? स्टेम से मिलते हैं, तो स्टेम से ये मिलने वाले फूड है, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं लीव्स से, लीव्स से जैसे स्पिनच, स्पिनच आप खाते ही हैं, पालक, है ना, मिंट, मिंट का मतलब क्या होता है? पुदीना, है ना, कैबेज, पत्ता गोभी, है ना। ये जो फूड होते हैं ये हमको कहाँ से मिलते हैं? प्लांट के लीफ वाले पार्ट से। तो हमने तीन पार्ट्स पढ़ लिए हैं कि रूट से हमको कौन किस टाइप के फूड अवेलेबल होते हैं, स्टेम से हमको किस टाइप के फूड अवेलेबल होते हैं, रूट अवेलेबल फूड अवेलेबल होते हैं, और लीव से हमें कौन से फूड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। पर जितने भी प्लांट्स हैं उनकी वेराइटी इतनी सारी है कि उनके हर पार्ट को हम ईट करते हैं, मतलब कि अलग अलग पार्ट्स को हम अपने फूड में ले लेते हैं। जैसे कि फ्लावर है ना, इसी तरह का आपका फ्लावर, कॉलीफ्लावर आप खाते हैं, है ना, फूल गोभी, बनाना, बनाना जो है फ्लावर का ही एक पार्ट है, बनाना फ्लावर, है ना, ब्रोकली, ब्रोकली जो ग्रीन कलर की गोभी आती है वो, पंपकिन फ्लावर, पंपकिन फ्लावर मतलब कद्दू का जो फूल होता है उसका भी यूज करते हैं, है ना। अब फ्रूट्स भी हम खाते हैं, फ्रूट्स में हम एप्पल ले रहे हैं, गुआवा, बहुत सारी वेराइटीज है फ्रूट्स की जो कि हम अपने फूड में लेते हैं। वेजिटेबल्स में बीन्स है, कुकुम्बर है, टमेटो है, ब्रिंजल है ना। सीड्स में हम क्या खाते हैं? सीड, जैसे वाइट व्हीट क्या है, एक सीड है, राइस क्या है, एक सीड है ना, सोयाबीन क्या है, एक सीड है ना, किडनी बीन्स है ना, और क्यूमिन मतलब कि जीरा, जीरा भी क्या है, एक सीड है। नट्स हम लेते हैं, नट्स में जैसे मूंगफली, केशियो नट, केशियो नट्स भी हम लेते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं क्या बोलते हैं आप, चलो छोड़ो, केशियो नट, वॉलनट्स आप लेते हो, ग्राउंड नट्स आप लेते हो, काजू, केशियो नट मतलब काजू, है ना। तो आप अपने फूड में प्लांट के हर हिस्से का यूज करते हो, है ना। अब इसके आगे का जो फूड फ्रॉम एनिमल्स जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सेंड करूंगी। अभी तक मैंने आपको सारी चीजें बता दी मोस्ट ऑफ कि फूड वेराइटीज क्या होती है, सोर्सेज ऑफ फूड क्या है, फूड फूड फ्रॉम प्लांट्स जो हमको मिल रही है, इसके आगे की जो वीडियो है वो मैं आपको बाद में सेंड करूँगी।